अतम शाह का कोलकाता से। कोलकाता में तो मीठी मीठी ठंड शुरू हो गई होगी मेरे हिसाब से, अभी हम अर्ली नवंबर में है। गौतम, बाजार का मौसम तो गर्म हो रहा है, कैसे देखते हैं आप ग्लोबल, ये बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई, निफ्टी थोड़ा लड़खड़ा रहा है। गुड मॉर्निंग अजय जी, आई थिंक एक बहुत बड़ी डिस्कनेक्ट अभी मार्केट में चल रही है, क्योंकि अगर आप प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी को मिलाएं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि लाइफ टाइम हाईज पे भी काफी फियर है सिस्टम में, पीपल आर नॉट एज एक्साइटेड, इतनी ऑप्टिमिज्म है नहीं, और जनरली हम हाईज को यू नो ग्रीड से एसोसिएट करते हैं, जो मेरे हिसाब से अभी हो रही नहीं है, मेनली बिकॉज मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में अभी तक तेजी आई नहीं है। तो जो पूरी जो एक महीने की जो तेजी आई थी वो सिर्फ लार्ज कैप्स और निफ्टी और बैंक निफ्टी में आई है। अगर आप यू नो टॉप 700-800 स्टॉक्स को देखें तो मूव्स आर मिसिंग, बट नेवर्थलेस यू कांट टेक दैट अवे फ्रॉम द बुल्स। आई थिंक ट्रेंड और स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है। मेरा ये मानना है कि एक बार निफ्टी 18,600 के ऊपर चला जाता है तब ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेशन भी वापस आएगी। ओवरऑल सेटअप स्ट्रॉन्ग है, सारे फैक्टर्स अच्छे हैं, इंडिया विक्स 15 लेवल्स के नीचे चल रहा है, ग्लोबल मार्केट्स में इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है, मुझे लगता है कि वहां पर भी एक बॉटम बन गया, नॉट ओनली यूएस बट इवन सम ऑफ द एशियन मार्केट्स लाइक चाइना एंड हांगकांग विच वेयर इन अ बेयर मार्केट फॉर मोर देन 15 मंथ्स। सो ट्रेंड इज स्टिल अप, पार्टिसिपेट कीजिए, अभी तो फोकस लार्ज कैप्स में है, धीरे धीरे मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी मूवमेंट आएगा। और अगर आप निफ्टी लेवल्स की बात करें तो 16,600 तो पूरा भारत देख रहा है, आई थिंक वहां पर हम पहुंच जाएंगे, और उसके बाद अगर हम निकलते हैं तो 18,950 का नेक्स्ट एक टेक्निकल नंबर है, और नीचे में आई थिंक अब 18,000-18,100 का बहुत स्ट्रॉन्ग बेस हो गया है। सो ऑल डिप्स शुड बी यूज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, और मुझे लगता है कि अगला 4 से 6 हफ्ता ऐसी मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाना चाहिए। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत सही कही गौतम, इतना ज्यादा फियर है आए दिन, मैं सोशल गैदरिंग्स में लोग यही बोल रहे हैं, बस 15,200 की तैयारी हो रही है पूरी, मतलब खड़े हम एकदम न्यू हाई के मुआयने में, लेकिन तैयारी हो रही है 15,200 की, और बाजार ऑबलाइज नहीं कर रहा है, जबकि बैंक निफ्टी भागे चले जा रहा है। मैं इनफैक्ट एक डेटा देख रहा था गौतम, आप चाहें तो रिएक्ट कर सकते हैं, कि अक्टूबर मिड अक्टूबर के बाद 300 पॉइंट का भी इंटरडे क्लोजिंग बेसिस पर पुल बैक नहीं दिया निफ्टी ने, और 600 पॉइंट का बैंक निफ्टी ने नहीं दिया एक भी, मतलब मौका ही नहीं दे रहा है घुसने का, तो ये वाला तो हाल है, और सब लोग मंदी में बैठे हुए हैं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, मैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स पे आपकी राय चाहता हूं। 1300 से लेके 1400 के बीच में HDFC बैंक 3-4 महीने पड़ा रहा, किसी को चाहिए नहीं था, लेकिन अब 1600 पे 10-10% ऊपर करके लोग आ रहे हैं HDFC बैंक में, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अजय जी, आई एम नॉट सरप्राइज एट ऑल, क्योंकि हम जिस तरह से चार्ट देखते हैं ये 1350-1400 के आसपास इतने महीनों का कंसोलिडेशन था कि कभी ना कभी तेजी आनी थी, और ऐसा हो नहीं सकता है कि बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई बनाए और HDFC बैंक पार्टिसिपेट ही ना करे। आई थिंक अंडर परफॉर्मेंस हाँ पिछले 15 महीने से चल रहा था, बट एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस मंथ वी एक्चुअली गेव इट एज वन ऑफ आवर डार्क हॉर्स आइडियाज टू अवर क्लाइंट्स, क्योंकि हमें लगा कि रिस्क रिवॉर्ड एक्सेलेंट है, चार्ट्स पूरे बने नहीं थे बट रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपका 3-5% का डाउनसाइड था और आपका 15-20% का अपसाइड था, तो बैंक निफ्टी तो सॉलिड है ही, और जब भी बैंक निफ्टी पूरे मार्केट को लीड करता है मार्केट का एक लुक और टेक्सचर ही अलग रहता है, और अभी भी आई थिंक जिस तरह के बैंक निफ्टी के चार्ट्स है और जिस तरह के कंपोनेंट्स के चार्ट है, HDFC बैंक देख लीजिए, ICICI, SBI, एक्सिस बैंक, सारे सॉलिड चार्ट्स है, तो यहाँ पर टॉपिंग आउट का तो कोई सीन है नहीं। हमारा वर्किंग टारगेट है 42,800 और 43,500, धीरे धीरे बैंक निफ्टी वहां तक जाना चाहिए। बट अगर आप लीडरशिप की बात करें तो अभी एक ऐसा सिनारियो आ गया है जहां पर जो 3 बड़े कंपोनेंट्स हैं निफ्टी के वो एक साथ चल रहे हैं, अब ये हमने पिछले एक साल में नहीं देखा, क्योंकि IT इंडेक्स में अच्छा रिबाउंड आया है, रिलायंस वापस 2600-2700 की तरफ चला गया और बैंक निफ्टी तो अच्छा कर ही रहा है, तो जब ये 3 सेक्टर्स एक साथ चलते हैं ना तो पूरे मार्केट को अच्छा कंफर्ट रहता है, और इसीलिए जो आपने जो पॉइंट हाईलाइट की छोटी सी छोटी पुलबैक भी नहीं हो पा रही है। एक मैं सवाल अपनी तरफ से फॉलो अप ले लूं, क्योंकि बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स और बैंक के कंपोनेंट्स से बात हो रही थी, कि बाजार में हमने देखा कि PSU बैंक में एक रंगत आ गई अर्निंग्स के बाद, तो ये डबल डिजिट वाले जो PSU बैंक थे, क्योंकि मैं ट्रेडर लिंगो में बात कर रहा हूँ, PNB, BOB, आपका छोटे वाले भी एकदम JNK बैंक, साउथ इंडियन बैंक, ये सब एक्टिव हो गए, इनके चार्ट्स आपने देखे हैं क्या, ये जो एक मिड टीयर छोटे मिड कैपिश बैंक हैं 5-7 बैंक्स? अजय जी, गोल्डीलॉक्स में इवन दो वी आर अ चार्टिस्ट, हम फंडामेंटल्स को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस देते हैं, तो जनरली हम रिकमेंडेशन ये सब जो डबल डिजिट बैंक स्टॉक्स होते हैं उसमें नहीं देते हैं,
बट यस, आपने जो कहा इसमें ट्रेंड काफी अच्छी थी। हमारा फेवरेट हमेशा हमेशा से ही बीओबी, कैनरा बैंक और एसबीआई रहा है, और ये तीन तीन स्टॉक्स काफी अच्छे किए हैं। छोटे स्टॉक्स में दे हैड टू बी बेनिफिशरीज और वो चल गए हैं, बट इस लेवल्स पे बड़ी कमिटमेंट नहीं कीजिए। आई थिंक दैट वुड बी माय सजेशन टू योर व्यूअर्स। अगर आपको अभी भी कमिटमेंट बनाना है तो टॉप थ्री स्टॉक्स में कीजिए, क्योंकि जो पीएसयू बैंकिंग और पीएसयू का जो थीम है ये चलेगा। हमने एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस मंथ एक बहुत गजब का चार्ट दिखाया था, जहां पर अगर आप पीएसयू बैंकिंग को प्राइवेट बैंकिंग से डिवाइड करते हैं और रेशियो चार्ट निकालते हैं, और पीएसयू बैंकिंग को निफ्टी से डिवाइड करते हैं, तो वहां पर एक मल्टी क्वार्टर ब्रेकआउट है। तो ये एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड है, ये अगले 3 से 6 महीने चलेगा। इसमें इन्वेस्टेड रहिए, डोंट गेट आउट चीपली, डोंट प्ले T20, यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट खेलना है। ठीक है गौतम, गुड मॉर्निंग। आपने कुछ शेयर ऐसे भी तो ढूंढे होंगे ना जो अभी अभी चलना शुरू हुए हैं, जिसमें 15% 30% तक का मूव ना आया हो, जो अभी अभी चलने को है, जिसको बिल्कुल तैयार है गाड़ी चलने को, आप वो बता सकते हैं क्या? मैं थोड़ा ज्यादा ग्रीडी हूं, मेरे को बिल्कुल बॉटम पे ही पकड़ना है। देखिए, आज के मार्केट में मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। अगर आप चार्ट्स देखें तो पिछले 3-4 हफ्तों में कितने स्टॉक्स में 20 से 40% की फॉल आई है, जबकि बाजार 18,600 के आसपास जा रहा है। बट अगर आपको एक सॉलिड स्टेडी नेम लेना है जहां पर फंडामेंटल्स और टेक्निकल साथ साथ चल रहे हैं, तो वो आपको मिड कैप आईटी में मिलेगा। आई थिंक मिड कैप आईटी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अर्निंग्स काफी अच्छे रहे हैं, नैसडेक में बॉटम बन गया, नैसडेक में अच्छी रिबाउंड आ रही है, कई कंपनीज के अर्निंग्स अच्छे रहे हैं। हम लोग ने परसिस्टेंट सिस्टम्स अभी रेकमेंड किया था 2-3 हफ्ता पहले। मुझे लगता है कि इसमें 20 से 40% की तेजी यहाँ से आ सकती है। माइंडट्री हमें अच्छा लगता है, ऑब्वियसली वहां पर एक कॉर्पोरेट डेवलपमेंट है, बट वहां पर भी डाउनसाइड एकदम नहीं है। कोफोज हमें काफी अच्छा लगता है, वहां पर भी एकदम डाउनसाइड नहीं है। और अगर आप टॉप स्टॉक्स को देखें तो विप्रो में एट 400 आई थिंक देयर इज नथिंग टू लूज, और इवन इंफोसिस एंड टीसीएस कैन डू बिग थिंग्स। सो इस पे फोकस थोड़ा रखना जारी है। और सेकेंडली जो हमारा हमेशा से फेवरेट है वो है रियल एस्टेट। सो डीएलएफ हमें अच्छा लगता है, ओवरऑल रियलिटी हमें अच्छा लगता है, और ये सब स्टॉक्स में आपको 20 से 40% की तेजी अच्छा से मिल जाएगी। और कैपिटल गुड्स में हमारा एलएनटी तो हमेशा से ही फेवरेट था, अभी भी 2000 के लेवल पे खड़ा है, और यहाँ से भी 400 से 500 रुपए की तेजी मिलेगी। सो एक्चुअली यू डोंट हैव टू वर्क टू हार्ड। अगर आप यही जो टॉप क्वालिटी 20-25 नाम में अगर आप काम करें, तो आपको मिड कैप रिटर्न लार्ज कैप्स में मिल सकते हैं। कह रहे कि अभी भी लार्ज कैप में तेजी बाकी है, वहां पर आप ज्यादा बेट करें। और आपकी 30-40% तक के गेन्स के जो डिम्पी के सवाल पर उन्होंने क्लियरली दो तीन स्टॉक्स क्लियरली बोले, डीएलएफ, ब्रॉय रियलिटी और लार्ज कैप स्पेस में एलएनटी। गौतम मॉर्निंग प्रियंका यार, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मेटल स्पेस में अब एक जो रिबाउंड शुरू हुआ है डॉलर इंडेक्स की कूलिंग कूल डाउन होने का, ये क्या इम्पैक्ट थोड़े समय और रह सकता है? मेटल से बहुत अच्छी एक परफॉर्मेंस दिखाई है ड्यूरिंग द कोविड एरा, लेकिन इस साल बीटन डाउन भी रहे, यहाँ मोमेंटम बाकी है अभी और? हाँ प्रियंका, लग रहा है, क्योंकि देखिए मेटल्स में लोगों ने गिव अप कर दिया था, जिस तरह की अंडर परफॉर्मेंस थी पिछले 12 महीनों में सारे स्टॉक्स में। अगर आप ओवरऑल बेसिस पे देखें तो 40 से 50% का फॉल आया था अक्टूबर 21 के हाई से, और अब जिस तरह का रीबाउंड है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल एनवायरमेंट, आई थिंक दिस इज ड्यूरेबल, ये सॉलिड है, और लग रहा है कि मेटल्स इंडेक्स वापस लाइफ टाइम हाई की तरफ चला जाएगा और नया हाई भी बनाएगा। बट इसमें आपको यहाँ पर सेलेक्टिव रहना है। हमारा फेवरेट पिक है जेएसडब्ल्यू स्टील, हमने पिछले 5-6 दिनों पहले हमने रेकमेंड भी किया था, और मुझे लगता है कि अगर कोई पहला स्टॉक है जो लाइफ टाइम हाइज की तरफ वापस जा सकता है वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। तो इसमें इन्वेस्टर्स ध्यान रख सकते हैं। बाकी स्टॉक्स थोड़े से ट्रेडिंग इन नेचर है, हमारा उतना फेवरेट नहीं है, बिकॉज आई थिंक बेटर अपॉर्चुनिटीज मार्केट में है, बैंकिंग, आईटी, कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट, पीएसयू। मेटल्स ठीक है, बट आपको थोड़ा सा लंबा देखना पड़ेगा। बिल्कुल, जेएसडब्ल्यू स्टील जेएसपीएल में अच्छा रिबाउंड नजर आ रहा है। गौतम, सीमेंट में बड़ा इंटरेस्टिंग काम हो रहा है, सेकेंड क्वार्टर के खराब नतीजों के बाद जो जबरदस्त रिबाउंड आया है, इंडिया सीमेंट लीजिए, आप रामको सीमेंट लीजिए, अल्ट्राटेक लीजिए, सीमेंट में क्या एक बॉटम बन गया है क्या? वैसे भी अब बरसात का सीजन खत्म हो गया है, कंस्ट्रक्शन शुरू होगा वापस, क्या इसमें आप कुछ रिकमेंड करेंगे? देखिए, मैं पिछले 6-8 महीनों से कह रहा हूँ कि एनीथिंग दैट इज अ रियल एस्टेट प्रॉक्सी विल डू वेल। सो आई थिंक सीमेंट इज राइट अप देयर। सीमेंट हमें अच्छा लगता है, हमारा फेवरेट तो देखिए अडानी एंगल है, अंबुजा सीमेंट्स है, वी हैव बीन रेकमेंडिंग इट एज अ लॉन्ग टर्म पिक फॉर द लास्ट 3 or 4 months, और मुझे लग रहा है कि अभी भी ये यहाँ से बड़ा चलेगा, तो हर डिप्स पे अंबुजा सीमेंट्स लीजिए। और सेकेंडली अल्ट्राटेक हमें काफी अच्छा लगता है, अल्ट्राटेक का भी चार्ट काफी अच्छा हो गया है पिछले 2-3 महीनों में, इसने अच्छा एक बेस बनाया है, और आई थिंक इट इज रेडी फॉर अ ब्रेकआउट, और फंडामेंटल्स इसके काफी सॉलिड है।
अगर आपको थोड़ा सा मोमेंटम में जाना है तो आपने जैसे कहा इंडिया सीमेंट, रामको सीमेंट, उसमें काम कर सकते हैं, बट दैट इज मोर ट्रेडिंग इन नेचर। बट अगर दो सॉलिड नेम अगर आप मेरे से चाहते हैं सीमेंट में, तो वो है अंबुजा और अल्ट्राटेक। ठीक है गौतम, अभी तक चार सारे शेयर्स हमने पूछे ना, वो आपसे तेजी से पूछे कि ये सेक्टर्स, ये शेयर चल सकता है। मैं क्वेश्चन को रिवर्स करके ऐसे शेयर भी पता करता हूँ जैसे बिल्कुल प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाना चाहिए, या तो बहुत अच्छे चल चुके हैं या तो उनके चार्ट्स खराब हो गए होंगे। ऐसे दो चार नाम आप दे सकते हैं क्या? इस लेवल्स पे अगर आप लार्ज कैप्स में देखें तो ज्यादा नाम नहीं है, क्योंकि हम लाइफ टाइम हाईस के आसपास है, सब सेक्टर्स ही काम कर रहे हैं। बट अगर आप कंजम्पशन थीम को देखें और एफएमसीजी में देखें, वहां पर आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ अंडर परफॉर्मेंस, क्योंकि पिछले 3-4 महीने में क्या हो रहा था, लोगों को डर था कि कहीं अगर बाजार गिर गया, इंडियन मार्केट्स गिर गया बिकॉज ऑफ ग्लोबल मार्केट्स, तो चलो हम एफएमसीजी स्टॉक्स में सेफ रहते हैं, आईटीसी में सेफ रहते हैं, एचयूएल में सेफ रहते हैं, मैरिको डावर में सेफ रहते हैं। तो अब जो स्मार्ट मनी है वो ये सब अंडर परफॉर्मिंग ये स्टॉक्स और सेक्टर से अब दूसरे रिस्क ऑन सेक्टर्स में चला गया है। तो अगर आपको कोई सेक्टर अवॉइड करना है इस लेवल्स पे, तो वो एफएमसीजी और कंजम्पशन है। आई थिंक वहां पर स्मार्ट मनी धीरे धीरे निकल रहा है और वहां पर इतनी बड़ी तेजी यहां से नहीं लगती है। गौतम, फार्मा स्पेस को कैसे अप्रोच करें, क्योंकि अब तक जिन स्टॉक्स का भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस था, यूएस मेकर, यूएस मार्केट से रेवेन्यूज थे, वहां पर अब एक ट्रेंड रिवर्स होता हुआ दिख रहा है। क्या कितना सिलेक्टिव होना होगा फार्मा स्पेस में, या फिर आपको ये ड्रैगर सेक्टर दिखता है? देखिए फार्मा में तो बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि इतनी डाइवर्जेंट मूव्स है। एक तरफ सन फार्मा और सिप्ला इतना गजब चल रहा है, एक तरफ हम औरबिंदो के बारे में बात करते हैं जो चलता ही नहीं है, बीच बीच में मूव्स आते हैं बट वो सस्टेन नहीं कर पाता है। तो इसमें कई स्टॉक्स हैं जो हमें अच्छे लग रहे हैं, एफडीसी है, ग्रैनुअल्स है, सन फार्मा, सिप्ला, ये सबके काफी अच्छे सेटअप्स हैं। और इस सेक्टर में आप सिर्फ आउट परफॉर्मेंस के साथ रहिए, जिसमें प्राइस एक्शन स्टेडी रहा है, जो सेक्टर के साथ चल रहा है, मार्केट के साथ चल रहा है, उन्हीं स्टॉक्स में रहिए। बट अभी भी मेरे हिसाब से फार्मा में थोड़ा सा रिस्क है ये सब ग्लोबल फैक्टर्स का, क्योंकि जिस तरह की अभी दुनिया है, कोई बोल नहीं सकता है कि अगले 3-6 महीने में ये फार्मा का सिनारियो कैसा रहेगा। तो अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो दूसरे सेक्टर में रहिए, वहां पर ज्यादा क्लैरिटी है। अगर फार्मा में रहना ही है तो टॉप 3-4 नाम जो मैंने कहा उसमें ही कमिटमेंट बनाइए। राइट, आपने ऑटो पिछले साल में काफी पहले से काफी स्टॉक्स देना शुरू कर दिया था लॉन्ग कॉल में, लेकिन दो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। हीरो मोटो जो अभी चलना शुरू किया है 15 दिन से, और अपनी टाटा मोटर्स जिसकी ईवी भी चार्ज ही नहीं हो रही है, 450-450 में बहुत लोग अटके हुए हैं पुराने टाइम से, क्या उसका समय आएगा? देखिए मार्केट इज वे अहेड ऑफ द फंडामेंटल्स, मार्केट आजकल हर कुछ डिस्काउंट कर देता है एक साल पहले ही। तो जो पहले जो रैली आई थी टाटा मोटर्स ना, वो ईवी थीम के कारण आई, पर जब तक लोगों ने रियलाइज किया कि अरे टाटा मोटर्स इज अ ग्रेट प्रॉक्सी टू द ईवी थीम, मार्केट में वो मूव आ चुकी थी। और उसके बाद ये जो करेक्शन है आई थिंक मेरे हिसाब से काफी नॉर्मल है, क्योंकि एज अ स्टॉक टाटा मोटर्स डिड वेरी वेल फॉर 15 मंथ्स। सो आई थिंक ये एक नॉर्मल सा करेक्शन है। इस लेवल्स पे अगर आप टाटा मोटर्स में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बनाते हैं तो एकदम बनता है, क्योंकि डाउनसाइड ज्यादा है नहीं 7-10% और अपसाइड पोटेंशियल है 20-50% का। मालूम है कि लोग काफी थक चुके हैं, बट चार्ट्स के हिसाब से अगर आप देखें तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, और लग रहा है कि अब जो ये रैली बन रही है ये जेन्युइन है और ये टाटा मोटर्स को 500-550 तक एटलीस्ट ले जाएगी। बट एट द सेम टाइम हीरो मोटो आई एम नॉट कंफर्टेबल, उससे दूर रहिए। अभी भी मारुति और M&M बेस्ट चार्ट्स है ऑटो में, उसी में कमिटमेंट बनाइए। ठीक है गौतम, मैं एक ट्रेडर्स की तरफ से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। ट्रेडर्स के पास अदानी ग्रुप के शेयर्स भर भर के हैं, वो अच्छे से ट्रेड करते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है, रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा मिला है। आपको अदानी के शेयर में अभी भी किस में सबसे ज़्यादा कन्विक्शन है? काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि अदानी पोर्ट बेहतर है, ये मैंने सुनी सुनाई बात आपके सामने रख रहा हूँ, आप अपनी बात भी रख सकते हैं। देखिए एक चीज होता है कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना और दूसरी चीज होती है ट्रेंड को राइड करना। तो अडानी स्टॉक्स में आइडेंटिफिकेशन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, राइड करना बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि लोगों को हर बार लगा कि और कितना चलेगा, बट ये चलता ही चला गया। तो यहाँ पर टेक्निकल टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप एक सिंपल 20-वीक मूविंग एवरेज चार्ट पे लगा के अडानी ग्रुप स्टॉक्स को होल्ड करते, आपको कभी एग्जिट नहीं मिला होता, यू वुड हैव पार्टिसिपेटेड ऑल अलोंग। सो मेरा यही सलाह है आपके व्यूअर्स को कि अगर आप अभी भी इन्वेस्टेड है तो एक सिंपल 20-वीक या 20-डे मूविंग एवरेज को लगाइए और उसको राइड कीजिए विदाउट एनी टेंशन। बट इफ आई हैव टू पिक टू स्टॉक्स इन द अडानी ग्रुप और अडानी लिंक्ड,
यू नो जो यहाँ से भी अच्छा रिटर्न दे सकता है, एक तो अंबुजा सीमेंट्स ऑब्वियसली बिकॉज देर इज द अडानी एंगल, एंड सेकेंडली जैसे आपने कहा अडानी पोर्ट, उसके भी चार्ट अच्छे हैं, फंडामेंटल्स भी काफी अच्छा है, मैं भी काफी अच्छा सुन रहा हूँ उसके बारे में। हम इसको ऑफिशियली रिकमेंड करते नहीं है, बट क्योंकि आपने पूछा मुझे ये दो स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। ये आपका अकोमोडेटिव स्टांस गौतम मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट जाने से पहले आपसे रिलायंस पे क्यों ना पूछें, और क्या चला है 2350 वाला ऑलमोस्ट 2600, क्या ये अपने प्रीवियस हाई 2850 के लिए तरफ देख रहा है या अभी थोड़ा थम जाएगा, इसके बारे में बताते जाएं। देखिए हम रिलायंस पे फोकस कर रहे थे और भारती ने छक्का मार दिया, आई थिंक यही हुआ है पिछले 6-8 महीनों में, और आई थिंक भारती मेरे हिसाब से बेटर पिक है। अगर आपको टेलीकॉम प्ले में रहना है तो आई थिंक भारती यहाँ से भी आपको 20-25% की तेजी दे सकता है, हमारे लॉन्ग टर्म पिक्स में वो पिछले 6-8 महीने से है। रिलायंस ठीक है बट यू नो काफी धीरे धीरे चलता है और ये 2700-2800 पे काफी बड़ा रेसिस्टेंस है, तो रिलायंस आपको बड़ा परसेंटेज गेन यहाँ से नहीं देगा, आपको कमिटमेंट बनाना पड़ेगा क्योंकि ये 12% निफ्टी का है, दैट्स द ओनली रीजन। बट आई थिंक रिलायंस हैज टेकन अ बिट ऑफ अ बैक सीट, दूसरे सेक्टर्स और दूसरे स्टॉक्स यहाँ से ज्यादा बेटर करेंगे। ऑलराइट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गौतम, थैंक्स वेरी मच, इतने सारे सेक्टर्स पर आपके इतनी क्लियर ओपिनियन मिली, कई सारी स्टॉक रिकमेंडेशन मिली, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, लुकिंग फॉरवर्ड आपको जल्दी फिर से शो पर लाएं और फिर से बात हुआ।